देखा होगा पहले काशी में एयरपोर्ट से काशी में आने के लिए फोर लेन की कनेक्टिविटी नहीं थी आज से 8 वर्ष पहले, लेकिन आज फोर लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी है। लखनऊ को फोर लेन से जोड़ने की कनेक्टिविटी है, प्रयागराज को फोर लेन से जोड़ लिया गया, गाजीपुर गोरखपुर को फोर लेन की कनेक्टिविटी दे दी गई, बेहतरीन सड़क की कनेक्टिविटी, ट्रेन की बेहतरीन सुविधा, एयरपोर्ट की बेहतरीन सुविधा के साथ साथ देश और दुनिया के हर प्रमुख स्थलों पर काशी की वायु सेवा के साथ जुड़ाव, और साथ साथ उत्तर प्रदेश जैसा राज्य हमेशा एक बात के लिए जाना जाता था और उसके बारे में था कि लैंड लॉक स्टेट है, यानी एक्सपोर्ट के लिए तो हमारे पास जल यातायात की सुविधा होनी चाहिए, कोई पोर्ट नहीं है इसलिए यहाँ के सामान एक्सपोर्ट नहीं होंगे, इसलिए उत्तर प्रदेश का किसान हो या उत्तर प्रदेश का व्यापारी या उत्तर प्रदेश का उद्योगपति, वह अपने उत्पाद को उत्तर प्रदेश के बाहर नहीं भेज सकता, अगर भेजेगा तो बहुत महंगा पड़ेगा। लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर पहला जल यातायात के लिए इनलैंड वाटरवे का कोई एक मार्ग दिया, तो वह काशी से हल्दिया के बीच में पूर्वी बंदरगाह से जोड़ने को काशी के लिए उन्होंने सौगात दी, और यह भी चालू स्थिति में है जहां से आज हम न केवल काशी के अन्नदाता किसानों और उद्यमियों का बल्कि यहां के माध्यम से आज हम उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों के खाद्यान्न को, सब्जियों को और बेरी से बने हुए उत्पाद को, फल को आज दुनिया के मार्केट में पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं, बल्कि स्थानीय उत्पाद के रूप में जो हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से उत्तर प्रदेश के परंपरागत उत्पाद को प्रोत्साहित किया, उसकी बेहतरीन मार्केटिंग की, इसको भी एक्सपोर्ट करने की एक बेहतरीन सुविधा आज हमारे पास हो चुकी है। भैया बहनों, इसने हमारी अर्थव्यवस्था में एक नई जान फूंकी है, हमें बेहतरीन कनेक्टिविटी का माध्यम दिया है। कोरोना कालखंड में जब दुनिया अस्त व्यस्त पड़ी हुई थी, तब हमारा अन्नदाता किसान काशी से हल्दिया तक, पूर्वी बंदरगाह तक सब्जियों को यहां से निर्यात कर रहा था, यहां से सब्जी भेज रहा था, खाद्यान्न भेज रहा था, चीनी भेज रहा था, और बदले में उत्तर प्रदेश और देश के एक्सपोर्ट को बढ़ाने का काम कर रहा था। यह बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है जो बदलते हुए भारत को वहां की विकास की यात्रा में सहभागी बनने के लिए पूरी तत्परता के साथ कर रहा है, और उसमें प्रधानमंत्री जी की ही काशी से आज जिस प्रकार के परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं वह हम सबके सामने है। भाई बहनों, काशी ने बहुत सारे मॉडल दिए। काशी विश्वनाथ धाम, अभी मैं इस कार्यक्रम में आने के पहले काशी विश्वनाथ धाम में गया, काशी में आपने देखा होगा अभी प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों आकर के यहां पर काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किया, केवल तमिलनाडु से, कर्नाटक से, केरला से, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, देश के अलग अलग भागों से बड़े पैमाने पर श्रद्धालु आ रहे हैं। यहां पर शिक्षा के केंद्र के रूप में, एक नए केंद्र के रूप में जो काशी की पहचान थी कि काशी भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी है, उसके उस पुरातन स्वरूप को उपलब्ध कराया, फिर से वापस लाया गया है। काशी स्वास्थ्य के एक नए केंद्र के रूप में उभरा है, पीएचयू के पास सुपर स्पेशलिटी का एक नया केंद्र देने के साथ ही भामा कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना काशी में करना, और साथ साथ कैंसर पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैंसर हॉस्पिटल को संचालन करना, ये बहुत सारे कार्यक्रम है। हर हॉस्पिटल में नई नई सुविधाएं देना, हेल्थ एटीएम का को लगाने की व्यवस्था करना, पीएससी सीएचएस के उत्थान को उसकी सुविधाओं को आगे बढ़ाना, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना करना, यहाँ के हर मंदिर को, हर पर्यटन केंद्र को एक नए केंद्र के रूप में विकसित करना, काशी में नए रिंग रोड का निर्माण कर देना, ये
रूप से आगे बढ़ी। तो कोई सोचता था कि काशी में गरीबों को आवास की सुविधा मिलेगी। भाइयों बहनों, आज हम प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना में 45 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवाए हैं। 45 लाख का मतलब आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि 2.5 करोड़ लोग सीधे सीधे उस योजना के साथ जुड़े हैं। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को एक एक शौचालय प्रदेश के अंदर मिले हैं। और अगर हम जब काशी की बात करते हैं तो भाइयों बहनों, काशी में 43,000 गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। 43,000 से अधिक लोगों को ये प्रधानमंत्री आवास योजना में मिली हुई आवास कोई सोचता भी नहीं था कि किस इस प्रकार से लोगों को मिलेगा। और घर में शौचालय बनाने की कार्रवाई काशी में 2015-16 तक एक बात का आंदोलन होता था, यहाँ पे सीवर का पानी सड़कों पे बहता था और काशी के अंदर जगह जगह 14 के पहले कूड़े के ढेर पड़े रहते थे, घाटों की क्या दुर्दशा थी। आज आप जाकर के देखिए कितना परिवर्तन हुआ है। आज सीवर नहीं बहता, आज पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है। और केवल काशी ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री जी का विजन जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल की योजना के माध्यम से हर घर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाएंगे। और यह कार्यक्रम आज जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ा है, यह भी परिवर्तन हम सबके सामने है। सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण बनाना, और बेहतरीन वातावरण बनाने के साथ साथ भाइयों बहनों, आज आपने देखा होगा शहरी क्षेत्र में कोरोना कालखंड में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना करना। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर दो प्रकार का कार्य कर रहा है, एक ट्रैफिक मैनेजमेंट का काम कर रहा है और दूसरा जो वह कार्य कर रहा है वह कोविड के दौरान हमने उसका कोविड प्रबंधन में भी उपयोग किया तो कूड़ा प्रबंधन में भी किया। आज हम उसका उपयोग ट्रैफिक मैनेजमेंट के साथ साथ सेफ सिटी के रूप में भी कर रहे हैं। हर व्यापारी सुरक्षित रहे, हर बहन और बेटी सुरक्षित रहे, कोई सुरक्षा में सेध लगाने का दुस्साहस न करने पाए। अगर किसी ने किया तो जगह जगह लगी हुई सीसीटीवी कैमरा उसको कैद करेगी और फिर उसको वक्त आने के साथ सबक भी सिखा देगी। आप तो सांस नहीं कर पाएगा कहीं डकैती डालने का, कहीं छिनैती डालने का, कहीं पर किसी बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का। ये कार्य सेफ सिटी के माध्यम से उत्तर प्रदेश आज देने का कार्य कर रहा है। और यह इसलिए हो पाया क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को 10 ऐसे शहर दिए जिसके माध्यम से हम स्मार्ट सिटी मिशन के कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं, पेयजल की सुविधा को आगे बढ़ा सकते हैं, सीवर की समस्या का समाधान कर सकते हैं, केंद्र और राज्य सरकार की हर वेलफेयर स्कीम का लाभ बिना भेदभाव के हर गरीब को, हर कमजोर तबके के व्यक्ति को दे सकते हैं। और इसीलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए प्रबुद्ध जनों के महत्वपूर्ण विचार इस मंच पर आए थे, मेरे सामने उनकी प्रस्तुतिकरण के कुछ पॉइंट मेरे सामने भी रखे गए, ये मुद्दे उन्होंने रखे थे और उनके द्वारा जो अनुभव किया गया वो अनुभव भी इस रूप में है। और मेरी आप सभी नागरिकों से और सभी प्रबुद्ध जनों और सभी कार्यकर्ताओं से मेरी अपील होगी, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत दुनिया की सबसे तेज उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। आज भारत की अर्थव्यवस्था को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने की दिशा में जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है उसमें उत्तर प्रदेश की भी कुछ भूमिका होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का ही सबसे बड़ा राज्य न हो बल्कि उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन सके उसकी कुछ शर्तें हैं। शहरी जीवन को बेहतरीन करना, शहरीकरण को बढ़ावा देना, अधिक से अधिक निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाना, रोजगार और स्किल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना, स्वास्थ्य के अच्छे केंद्र विकसित करना, शिक्षा के केंद्रों को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने की कार्रवाई को करना,
तकनीक का अधिकारिक उपयोग करना और इन सभी कार्यक्रमों के साथ आज उत्तर प्रदेश जुड़ता हुआ दिखाई दिया है। आपने देखा होगा काशी के अंदर नगर निगम का दायरा बढ़ा है, हमने विकास की एक प्रक्रिया उन क्षेत्रों के साथ नगरीय जीवन की तरह सुविधाएं उपलब्ध करवाने के बड़े कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया है और कार्यक्रम थमने न पाए, रुकने न पाए, धीमे न पड़ने पाए, इसके लिए डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ ही स्थानीय निकाय संस्थाओं के माध्यम से भी जो कार्य प्रारंभ हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड था, उसने अपने स्तर पर भरपूर प्रयास किया इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का, इसको और बेहतरीन तरीके से अब ट्रिपल इंजन की सरकार 3 गुना रफ्तार से बुलेट ट्रेन की स्पीड के साथ विकास की इस गति को आगे बढ़ा सके, इस दिशा में हम सबको सदैव सतर्क रहकर के कार्य करना होगा। और दूसरा, विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ करके अधिक से अधिक निवेश के लिए अपने शहरों को तैयार करना, इससे हर यूथ के हाथ को काम मिल सके। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने मिशन रोजगार के माध्यम से एक बड़े कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया है, 10 लाख अग्निवीर सेना के अलग अलग अंगों में भर्ती किए जा रहे हैं, 85 सेवा के बाद उनको राज्य सरकारें अपने यहां सेवा का अवसर देगी, विभिन्न विभागों में नौकरी की एक नई प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, 10 लाख उसमें भी भर्ती किए जा रहे हैं। और मैं आप सबसे अपील करूंगा कि सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी, लेकिन साथ साथ प्रदेश के अंदर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाओं के माध्यम से 1,61,00,000 युवाओं के लिए रोजगार की सुविधा भी विकसित की। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो कार्य पिछले 5-7 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर हुए, केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य सरकार ने उसे गति दी, आज उसका परिणाम है कि न केवल काशी बल्कि उत्तर प्रदेश का हर शहर उसका लाभ लेता हुआ दिखाई दे रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का काशी के साथ जुड़ा होना, काशी की हर सड़क का चौड़ीकरण होना, काशी के घाटों का सुंदरीकरण होना, काशी के हर मठ मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जोड़ने की कार्रवाई करना, पावन पथ की योजना भी प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से चलाई गई वो योजना है जिसने उन सभी पवित्र तीर्थ स्थलों को धार्मिक स्थलों को जोड़ना और वहां के समग्र विकास को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम को आगे तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। प्रदेश दर्शन की योजना रही हो या फिर अन्य तमाम प्रकार की पर्यटन विकास की योजनाओं को सत्र विकास जी की पावन जन्मभूमि सीर गोवर्धन का विकास हो या फिर काशी के अंदर अन्य तमाम महत्वपूर्ण स्थलों के विकास के लिए किया जाने वाला कार्यक्रम, ये सभी व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ा है। एक्सपोर्ट प्रमोशन का एक केंद्र आज काशी बन रहा है और इस दृष्टि से मेरी अपील होगी काशी के उद्यमियों से, व्यापारियों से, काशी के सभी अन्य विभिन्न पक्षों से जुड़े हुए प्रबुद्ध जनों से भी कि काशी में अधिकाधिक निवेश की संभावनाओं को तलाशें, नौजवानों के रोजगार की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। और मैं आज आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं, प्रदेश सरकार ने और भारत सरकार ने मिलकर के जो बेहतरीन वातावरण उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर पिछले 8 वर्ष के अंदर और पिछले 5.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के जो वातावरण आपको सुरक्षा का, निवेश का, व्यापार को बढ़ाने का, काशी जैसे नगरियों को शिक्षा और स्वास्थ्य के एक नए केंद्र के रूप में आगे बढ़ाने का जो कार्यक्रम आगे बढ़ा है, इस कार्यक्रम की गति को हमें कहीं भी थमने नहीं देना है। इसको आगे बढ़ाने में हमारे स्तर पर क्या योगदान हो सकता है, अगर हम थोड़ा भी अपने स्तर पर प्रयास करेंगे तो मेरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में सफल हो जाएगा। मेरा विश्वास है उत्तर प्रदेश सबसे अधिक नौजवानों को रोजगार देने वाला प्रदेश बन जाएगा। उत्तर प्रदेश न केवल सबसे बड़ी आबादी का राज्य होगा बल्कि सबसे अधिक युवा
प्रतिभाशाली युवाओं का राज्य होने के साथ साथ अपने युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर ही रोजगार सृजन करने वाला राज्य भी होगा और विकास की ढेर सारी परियोजनाओं के माध्यम से हम नए भारत के नए उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में सफल होंगे। मुझे पूरा विश्वास है आप सबका जो सानिध्य नवल इंजन की सरकार को निरंतर प्राप्त हुआ है, आप प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के लिए स्थानीय निकाय संस्थाएं और निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी आप सभी लोग एक बार फिर से पूरी ऊर्जा के साथ कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ आप सभी प्रबुद्धजनों का, पदाधिकारियों का, जनप्रतिनिधियों का एक बार हृदय से अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।